एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स। और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूं अमेज़न ब्यूटी हॉल। और इसमें जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, ये मैंने सेल के दौरान मंगवाए हैं, जो कि अमेज़न पे इस टाइम पर चल रही है। गाइस, अमेज़न पे शुरू हो चुका है मेगा फैशन वीकेंड सेल। अगर आप इस पर 3000 रुपीज़ का फैशन या ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको मिलेगा 70% ऑफ, और साथ में मिल सकता है 300 रुपीज़ का कैश बैक, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कोई भी ऑर्डर करते हैं और वो प्रीपेड पे करते हैं तो आपको फर्स्ट फैशन प्रोडक्ट ऑर्डर पर फ्री डिलीवरी भी मिलेगी। सो यस, फ़ायदा उठाइए इस मेगा सेल का, और यस, फ़ायदा उठाइए यार। और ये मुझे काफ़ी सही प्राइस पे मिल गए, सो मैंने एक एक करके सारी चीज़ें मंगवा ली हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे रिसीव हो चुकी हैं, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, इन सभी के जो बाय लिंक होंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस बॉक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत यूजफुल हैं। एंड ये मैंने जो चीज़ें हैं काफ़ी सोच समझ के मंगवाए हैं, सेल का टाइम था तो सेल का फ़ायदा उठाते हुए। ओके, सो अब मैं आपको एक एक करके ये सारी की सारी चीज़ें दिखाती हूँ, और मैं दिखाने के लिए काफ़ी बेताब हूँ। तो फर्स्ट है ये, एंड ये जो चीज़ है ना बॉक्स में आई है, मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी ये, पहली बात तो। अब ये ना काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है आजकल, बहुत सारे जो गर्ल्स हैं वो इसे बहुत पहन रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी मंगवा कर देखती हूँ कैसा लगेगा। एंड आप लोगों को पता ही है कि मेरा ड्रिपिंग का काम होता है, तो उस पर काफ़ी सारी ज्वेलरीज अलग अलग तरीके की ट्राई करना मुझे काफ़ी पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना ये मंगवाया जाए। एंड ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिले हैं, एंड ये ना सिक्के टाइप के होते हैं ना, 10 पैसा और 20 पैसा, 25 पैसा वाला जो होता है ना, उस टाइप के हैं। और ये ना अब मैंने महाराष्ट्र साइड में काफ़ी देखे हैं, एंड हरियाणा साइड में भी काफ़ी देखे हैं जो ना इस तरीके के पहनते हैं। तो मैंने उस टाइम पे देखा था जब मेरी शादी नहीं हुई थी, एंड अब काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है ये। सो फाइनली मैंने ये मंगवा लिया है, एंड इसकी जो मुझे क्वालिटी है ना काफ़ी सही लगी है, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है, एंड ये पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड आप देख सकते हैं इस टाइम पे मैंने ये साड़ी पहन रखी है, सो यस, नीचे का जो सेट है वो उसके साथ ये मिक्स मैच हो जा रहा है, तो मैं आपको सेपरेट दिखाती हूँ। ओके, तो ये इस तरीके का है। सो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, और वो है ये। इसमें मैंने एक एक्चुअली कॉम्बो मंगवाया है, मंगलसूत्र का कॉम्बो है। ओके, इसमें लॉन्ग मंगलसूत्र से लेकर स्मॉल मंगलसूत्र के मतलब सारी चीज़ें हैं। तो इसमें मुझे 3 मंगलसूत्र मिले हैं, एक्चुअली 3, हाँ ओके, 3 मंगलसूत्र मिले हैं जो कि मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। ओके, तो फर्स्ट मंगलसूत्र है ये, जो कि एक बहुत ही छोटू सा है और टाइनी सा मंगलसूत्र है, लेकिन बहुत क्यूट लगा। क्या होता है ना, हम कई बार ड्रेसेस वगैरह पहनते हैं, एंड अगर आप अपने मतलब शादी के बाद आपको ये लगता है कि हाँ कंपल्सरी है ही मंगलसूत्र पहनना, तो उस टाइम पर ड्रेसेस के साथ हैवी मंगलसूत्र पहनना बिल्कुल और लगता है। तो ऐसे टाइम पर आप इस टाइप का कुछ मंगलसूत्र कैरी कर सकते हैं, जो कि है ये एक छोटा सा मंगलसूत्र है जिसमें एक छोटा सा डायमंड लगा हुआ है, आर्टिफिशियल डायमंड है। बट लेकिन ये जो मंगलसूत्र है ना, ये बहुत अच्छा है, किसी भी ड्रेस के साथ चल जाएगा। आप इसे सूट के साथ भी वेयरअप कर सकते हैं, टॉप के साथ भी पहन सकते हैं, ऑल ओवर ये बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके दूसरे पेयर पे आते हैं, अब इसके नेक्स्ट मंगलसूत्र पे आते हैं। और ये वाला मंगलसूत्र भी ना, ये वाला जो मंगलसूत्र था ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चला था उस टाइम पर जिस दौरान ये आया था। ये डबल लेयर मंगलसूत्र है, एंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ है, ब्लैक कलर की मोतियाँ हैं। गर्मियाँ जब होती हैं ना, उस टाइम पर ये जो मंगलसूत्र की मोतियाँ होती है ना, ये आपके गले में ना रैश ला देती है, अगर प्रॉपर वाला ये मोतियाँ नहीं होती हैं तो जब भी मंगलसूत्र लें तो ज़रूर ये देख लें कि हाँ भाई मोतियों का जो काम है वो कैसा हो रखा है। बट इसका ये जो ये डिज़ाइन ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एंड ऐसा वाला मंगलसूत्र मेरे पास पहले भी था लेकिन वो प्योर गोल्ड वाला था। सो यस, इस बार ये ब्लैक एंड गोल्डन वाला पर्ल्स का मुझे मिला है, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। ओके, इसके साथ मिले हैं कान की झुमकी, एंड आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की दिखती है। सो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो कान की झुमकी है ना, इसमें
जो डार्ट दिया गया है ये थोड़ा मोटा वाला है, तो जिनके कान के जो छेद हैं, जिनके कान के जो छेद हैं वो अगर बहुत बड़े हैं सो वो पहन सकते हैं, बट मेरे कान के छेद इतने बड़े नहीं है सो मैं ये नहीं पहन सकती। बट कोई नहीं, किसी को गिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं जो इस तरीके के जो इयररिंग्स है, अगर वो पहनता है तो आप उसे ये इयररिंग गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये मिलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट एंड फाइनल मंगलसूत्र, और ये काफी बड़ा है। अगर आपके घर में शादी है, पार्टी है, या फिर आप किसी के यहाँ पार्टी में जाने वाले हो तो आप इस तरीके का कुछ हैवी वाला मंगलसूत्र वेयर अप कर सकते हो। अगर आप साड़ी पे हैवी मंगलसूत्र पहनना चाहते हो तो इस टाइप का मंगलसूत्र आप ले सकते हैं, पहन सकते हैं, काफी अच्छा लगता है। एंड दूर से ये प्योर गोल्ड लग रहा है, हालांकि ये आर्टिफिशियल ही है, बट नहीं, इसका जो वर्क है ना वो काफी अच्छा किया गया है, फिनिशिंग के साथ किया गया है। ऑल ओवर मंगलसूत्र मुझे काफी सही लगा। सो यस, ये आप अपनी मतलब मदर इन लॉ को या अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद के लिए भी ये रख सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और ये है एक और गले का सेट जिसके इयररिंग्स कुछ इस टाइप के हैं। एंड ये जो इयररिंग्स है ना इतने प्रिटी लगते हैं पहनने के बाद। मैंने इसको लास्ट ड्रेपिंग में पहना था एंड ये बहुत बहुत स्टाइलिश लग रहे थे। इस पे जो स्टोन्स पेस्ट हुए हैं ना ये काफी अंदर की तरफ हैं, जिसके रीजन से ये स्टोन्स निकल नहीं सकते, एंड मुझे ये डिजाइन काफी अच्छे लगे। आते हैं इसके नेकलेस पे, एंड आप देख सकते हैं ये एक लॉन्ग नेकलेस है जिसका डिजाइन बिल्कुल इयररिंग्स की तरह ही है। अब नीचे की तरफ जो वर्क हो रखा है ना काफी फिनिशिंग के साथ हो रखा है, मल्टी कलर यूज किया गया है, रेड एंड ग्रीन कलर का, ओके, एंड पर्ल्स का इसमें यूज किया गया है। ऑल ओवर आप साड़ी पहन रहे हैं, आप लहंगा पहन रहे हैं तो आप उसके साथ इसे ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत प्रिटी लगने वाला है अगर आप इसे ट्राई करते हैं अपने ऊपर। तो इस पे जो स्टोन्स पेस्ट किए गए हैं अंदर की तरफ है जिसके कारण ये निकल नहीं सकते, एंड पॉल्स भी काफी अच्छे वाले हैं। सो ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसमें कुंदन को भी अटैच किया गया है, ये थोड़ा सा फोल्ड भी हो सकता है इस टाइप से, ओके। सो यस, ऑल ओवर इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। नाउ ओके गाइज, ये थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि मैंने काफी सारी चीजें मंगवाई थी। तो आते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। तो ये है एक इयररिंग, एंड पार्टी हो किसी भी तरीके की, कोई भी पार्टी है, आप अगर एक वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं या फिर आप एक कुर्ती पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, तो आप इस वाले इयररिंग को पहन सकते हैं। तो आप इस टाइप के इयररिंग अगर पहनते हैं तो बहुत स्टाइलिश लगेगी आपकी ड्रेस। एंड मैं आपसे सही बताऊं ना, लास्ट टाइम जो अभी मैं पार्टी में गई थी उसमें मैंने जो इयररिंग पहना था मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो वो चीज को सोचते हुए मैंने ये वाले इयररिंग मंगवाए। एंड इनकी शाइन काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी काफी प्रीमियम वाली दी गई है। ऑल ओवर ये इयररिंग बहुत अच्छे लगने वाला है अगर आप एक लॉन्ग गाउन पहन रहे हैं, कॉर्न ड्रेस पहन रहे हैं, या फिर अगर आप कुर्ता डाल रहे हैं तो ये बहुत बहुत स्टाइलिश लगने वाला है। मूविंग ऑन टू लास्ट ज्वेलरी सेट। सो ये है सुखी का पूरा एक कॉम्बो, एंड इसमें काफी सारे सेट हैं, काफी सारे तो नहीं है, मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ कितने सेट हैं। एक्चुअली के अंदर से निकलता है एक पैकेट, एंड पैकेट के अंदर ही सारे सेट मिल जाते हैं। तो ये है पहला नेकलेस, एंड आप देख सकते हैं बहुत बारीक है लेकिन इस पे जो काम हो रखा है बहुत ही फिनिशिंग के साथ हुआ है। एंड गाइज, मैं आपको सही बताऊ ना, अगर आप साड़ी पहन रहे हैं या फिर आप सूट पहन रहे हैं एंड चाहते हैं एक पतला स्लीक सा कोई नेकलेस डालना अपने गले में, तो आप ये डेफिनेटली पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। इसके साथ मिल जाते हैं ये इयररिंग्स, एंड इयररिंग्स को आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी है, लंबे हैं। ऐसे नेकलेस के साथ लंबे इयररिंग्स होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो लुक को और अच्छा बना देते हैं। ओके गाइस, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट नेकलेस पीस, एंड आप देख सकते हैं ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप साड़ी पहन रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक पतला सा डिजाइन पहनना, तो पहला वाला जो मैंने कहा था काफी स्लीक था, लेकिन ये वाला जो डिजाइन है ये काफी अच्छा है। इसका जो पेंडेंट है आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा होने के कारण ये इसके लुक को और अच्छा बना देता है। गोल्डन कलर के नेकलेस सेट है, और इसमें जो स्टोन्स पेस्ट किए गए हैं ना ये काफी उभरे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, लाइटिंग जब इस पे पड़ती है तो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। सो यस, ये है सेकेंड नेकलेस, एंड इसके साथ मिल जाते हैं ये इयररिंग्स,
एंड इयररिंग्स भी आप देख सकते हैं लंबे हैं जिनको आप पहन सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें सेपरेट भी पहन सकते हैं, सूट के साथ भी पहन सकते हैं। सो ऑल ओवर ये मुझे सेट काफी अच्छा लगा। ओके गाइज, अब इस कॉम्बो सेट का सबसे लास्ट ये पीस है एंड आप देख सकते हैं कितना कितना ब्यूटीफुल ये पीस है। इसका जो वर्क है बहुत अच्छा रखा है, इसपे फ्लावर्स बने हैं एंड इसपे जो स्टोन्स है वो पेस्ट किए गए हैं। गोल्डन कलर का आपको सेट मिल जाता है एंड डिजाइन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अब इसके बाद मैं आपको इसके इयररिंग्स दिखाती हूँ एंड आप इयररिंग्स भी देख सकते हैं जिस तरीके का ब्यूटीफुल प्रिटी सा इसका सेट है उसी तरीके से इसके इयररिंग्स भी मिल जाएंगे एंड ये इयररिंग्स भी बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो यस गाइस, ये थे कुछ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स जो कि मेरे को आपको दिखाने थे एंड आपको मैंने दिखा दिया। आप लोगों को इसमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे जरूर बताना। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पर क्योंकि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी फिल्म बाकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ ये बहुत ही प्यारे से नेल पेंट एंड ये जो नेल पेंट है ना मैंने इस टाइम पर अप्लाई किए हुए हैं अपने नेल्स पे एंड ये जो नेल पेंट है ना इतने इतने प्रिटी लग रहे थे। पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इन ये जो नेल पेंट्स हैं इनके अंदर ग्लिटर्स का यूज किया गया है। सो ये लगने के बाद ना बहुत शाइन करते हैं और काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लगा। तो यस, एक बात आपको जब भी आप इस तरीके के नेल पेंट अप्लाई करते हैं अपने नेल्स पर तो जरूर जो नेल एप्लीकेटर होता है शाइनी वाला वो जरूर लगाएं, उससे जो नेल पेंट है ना वो और प्यारी लगती है। सो यस, मैंने ये तीन मंगवाए हैं जिनका जो प्राइस है वो आपको लिंक पर जाकर पता चल जाएगा, ब्लू ग्रीन और ये है बेस कलर का। सो ऑल ओवर ये तीनों की जो क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी एंड इनका जो लुक है ऑल ओवर बहुत प्यारा आता है नेल्स पर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, और चेहरे को साफ रखने के लिए, चेहरे को मॉइस्चराइज रखने के लिए एंड अपने चेहरे को फ्रेश रखने के लिए मैं हमेशा यूज करती हूँ विटामिन सी का टोनर। तो मैंने वाओ के विटामिन सी का यूज किया हुआ है टोनर को। इस बार मैंने सोचा कुछ अलग मंगवा के देखती हूँ अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। सो इस बार मैंने मंगवाया है ममा अर्थ का विटामिन सी फेस टोनर विद विटामिन सी एंड क्यूक्यूम्बर। ओके, दोनों ही चीजें जो होती हैं स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यूक्यूम्बर भी आपकी स्किन को हेल्दी बना के रखता है एंड विटामिन सी का तो आपको पता ही होगा कितना कितना बेनिफिशियल होता है हमारे फेस के लिए। ये जो टोनर है ये आपकी स्किन को प्योरीफाई करेगा, पोर्स को क्लीन करेगा और स्किन के पीएच बैलेंस को हेल्दी बनाता है, रीस्टोर करता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं एंड आल्सो ये अल्कोहल फ्री है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है एंड सूट्स फॉर ऑल टाइप स्किन। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, ऑयली है, ड्राई है, किसी भी तरीके की है, आप इस तरीके का मतलब ये वाला टोनर यूज कर सकते हैं। मुझे जो इसका एक चीज जो थोड़ी अच्छी नहीं लगी वो ये है कि जो वाओ के जो टोनर आते हैं ना वो स्प्रे कर सकते हैं बट इसमें क्या है ये ड्रॉप वाला है तो मुझे इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉटन में लेना पड़ेगा एंड मुझे अपने फेस पे अप्लाई करना पड़ेगा जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। सो यस, ये मुझे थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट लगा। अदरवाइज ये टोनर का जो मैंने रिव्यू देखा था बहुत सही लगा था, मुझे अच्छा लगा। सो मैंने ये मंगवा लिया एंड अब मैं भी ट्राई करूंगी, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। ओके ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, और इस बार मैंने मंगवाया है अपनी आंखों के लिए एंड एक काजल मंगवाया है और एक मंगवाया है मस्कारा। काजल के बिना मेरी कोई भी वीडियो नहीं होती है, मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। एक बार को मेरा मस्कारा स्किप हो जाएगा बट काजल नहीं होगा, तो मुझे काजल लगाना बहुत पसंद है। गाइज, ये है लॉरियल पेरिस का काजल, ठीक है। ये वाला जो काजल है ना ये वन स्ट्रोक में ही अप्लाई हो जाता है, मुझे लगा थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी एंड ऑल्सो इसकी जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ऑल ओवर ये काजल वाकई में मुझे अच्छा लगा। अदरवाइज मुझे अदर ब्रांड के जो काजल्स होते हैं ना वो जो मेरी आंखों में पानी आने लगता है, अभी तो नहीं आ रहा। लॉरियल का मंगवाकर यूज करके देखा, मुझे मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि इस टाइम पर भी मैंने वही लगाया हुआ है, मेरे को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। ओके, मैं अब आपको ये मस्कारा दिखाना चाहूंगी जो कि मैंने मेबलिन न्यूयॉर्क का मंगाया है। ये है लेस सेंसेशनल मस्कारा। अगर आप इस मस्कारे को अप्लाई करते हो अपने लैशेस पर तो आपके जो मस्कारा है वो काफी लॉन्ग दिखाई देगी एंड काफी भारी दिखाई देगी। सो यस, ये मैंने मंगवाया है एंड इसका जो काम था मुझे अभी तक तो सही लगा है एंड आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, फेस पे इतना मेकअप होता है, लाइट पे काम होता है तो चेहरे में थकावट आ जाती है एंड आप थक भी जाते हैं, तो
फेस को पैम्पर करना बहुत जरूरी होता है। फेशियल करवा रहे हैं ठीक है, वो मंथ में एक बार करवाना होता है ठीक है। हम रोज स्क्रब नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप अपने फेस को और अच्छे से पैम्पर करना चाहते हो तो आपको अपने फेस पर जरूर शीट मास्क यूज करना चाहिए। आज की डेट में सबको पता है शीट मास्क क्या होती है, तो मैंने मंगवाया है गार्नियर का ये शीट मास्क ओके, जो कि मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती थी आप लोगों के सामने ओपन करना। तो ये है कुछ शीट मास्क जो कि मैंने मंगवाए हैं एंड मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। जो फर्स्ट शीट मास्क है ये है गार्नियर का मिल्की सीरम मास्क, लाइट कंप्लीट इंस्टेंट ब्राइटनिंग मिल्की सीरम मास्क है ठीक है। तो ये आपकी स्किन को ब्राइट करेगा ओके, अगर आप इसको अप्लाई करते हो अपने फेस पर। एंड यहाँ पर ना बताया भी गया है कि इसको किस तरीके से यूज करना है, क्या क्या करना है, सारी चीजें इसमें बताई गई है। अगर आप चाहते हैं कि शीट मास्क को हम और किस तरीके से यूज करें कि हम उसका और एक्स्ट्रा बेनिफिट उठाएं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जरूर इसके लिए वीडियो लेके आऊंगी। नेक्स्ट है गार्नियर का है सकुरा ग्लो ओके हाइड्रेशन सीरम मास्क है। इसके अंदर जो सीरम है वो हाइड्रेशन के लिए ही है। सो यस, ये है सकुरा ग्लो, मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है सकुरा। सो यस, ये है सेकंड शीट मास्क। जो लास्ट शीट मास्क है ये है ब्लैक सीरम प्योर चारकोल, एंड चारकोल बहुत इंपॉर्टेंट है फेस को क्लीन करने के लिए। चारकोल से आपका जो फेस का डर्ट होता है वो भी निकल जाता है। तो ये है गार्नियर का प्योर चारकोल शीट फेस मास्क। यस गाइज, ये थे कुछ प्रोडक्ट जो कि मैंने मंगवाए थे, एंड इसमें से आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। एंड सेल चल रही है, सेल को हाथ से बिल्कुल मत जाने दो, यही टाइम है, यही समय है सेल का बेनिफिट उठाने का। सो यस, इन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। अभी तक इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।